गाइस वेलकम टू रुवनी रसोई। आज मैं बताऊंगी कि हम बची हुई सब्जी को कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आटा छान लिया है और वही हमेशा की तरह जो मैं आटे का मेज़र करती हूँ वही मेज़रमेंट। फिर इसमें डालेंगे जो मेरे पास एक कटोरी सब्जी बची हुई थी वही सब्जी और आटे में अच्छे से मिला लेंगे। नमक का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि सब्जी में भी नमक है, तो उसी हिसाब से आप नमक डालना और अच्छे से मिला लेना। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। थोड़े थोड़े पानी से ही अच्छे से आटा लगा लेंगे। ये हमारा आटा हो गया एकदम तैयार। रोटी के लिए हमारा आटा लग गया है। हम इसे रोटी भी बना सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो, वही ट्रायंगल शेप में या राउंड शेप में, जो भी शेप में। पर मैं आज यहाँ पे रोटी बनाने वाली हूँ, तो आप रोटी, ये रोटी चटनी के साथ या फिर दही के साथ या फिर सब्जी के साथ, किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। एक बार आप कोशिश बनाने की ज़रूर करना, बना के देखना, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो बना के और बताना कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। और अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हमारा तवा हो गया है गरम, अब हम इसमें डालेंगे रोटी। ये हमारी रोटी सिक गई है दोनों साइड से और ये मैंने रोटी को लगाया है दोनों साइड से घी दोनों रोटी को। ये देखिए हमारी रोटी बनके बिल्कुल तैयार है, एकदम अच्छी सी, बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।